साइक्लोन रेमन भारत में मचा सकता है भयंकर तबाही। मौसम विभाग ने की रेड अलर्ट जारी। दोस्तों, इस वक्त हमारा देश भारत जल रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक देश के आधे से भी ज्यादा राज्यों में गर्मी 45 डिग्री के पार पहुंच गई है। दोपहर की गर्मी की गर्म हवाएं रात के 10-11 बजे तक चल रही हैं, जिससे लोगों को लू लग रही है, हर कोई बीमार हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने गर्मी और चक्रवात तूफान को लेकर एक बहुत बुरी खबर दे दी है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जो लगातार विशालकाय रूप धारण कर रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो चंद घंटों में एक भयंकर चक्रवाती तूफान भारत में दस्तक दे सकता है। साइक्लोन रेमन नाम से पुकारा जाने वाला यह तूफान पूर्वी और दक्षिणी राज्यों के तटीय इलाकों को पूरी तरह से तबाह करने की ताकत रखता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर और पश्चिम राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में इतनी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है कि लाखों लोगों को बीमार कर सकती है, जिस वजह से मौसम विभाग ने पूरे भारत में अलर्ट जारी कर दी है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में जो हिंद महासागर है, वहां समुद्र का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ गया है, जिस वजह से वहां कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, और ये किसी भी साइक्लोन के पनपने के लिए बिल्कुल उत्तम परिस्थितियां मानी जाती हैं, क्योंकि पानी जितना गर्म होता है उतना ही जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, और ये गर्मी व नमी वाली हवा उस इलाके में सीधी नहीं बल्कि गोल गोल घूमने लगती है और चक्रवाती तूफान का रूप ले लेती है। और बंगाल की खाड़ी फिलहाल जो हालात है उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि रविवार के दिन साइक्लोन रेमन अपने आप को बड़ा करना शुरू करेगा और फिर ठंडे यानी तटीय इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। अब यह तूफान भारत के दक्षिण पूर्वी राज्यों के तटों पर भी आ सकता है या फिर म्यांमार की तरफ भी रुख कर सकता है। साइक्लोन रेमन को लेकर भारत के IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बंगाल की खाड़ी में जो कुछ भी मछुआरे हैं उन्हें शुक्रवार या शनिवार तक किनारे पर वापस लौट आना चाहिए और किसी भी मछुआरे को आने वाले 5 से 6 दिनों तक मछली पकड़ने समुद्र में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समुद्र की हालत बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाले हैं और इस चक्रवात के सामने जो भी आएगा उसे बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी साइक्लोन बनता है तो उसके पास सिर्फ हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि तेज हवाएं इन्हें चक्रवाती तूफान की तरफ खींचकर क्रैश भी कर सकती हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर साइक्लोन रेमन भारत की तरफ बढ़ता है तो इस वजह से उड़ीसा के उत्तरी जिलों, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने इन सभी राज्यों के राहत आयुक्त को तैयार रहने की सलाह दी है और लोगों से भी अपील की है कि वो बिना किसी वजह के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस मूसलाधार बारिश के साथ बिजली बिगड़ सकती है और उनसे भी बड़ा जो खतरा है वो है तेज हवाएं। जी हाँ, मौसम विभाग ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि बंगाल की कड़ी के ऊपर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहना शुरू हो चुकी हैं, जो शनिवार के दिन बढ़कर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचेगी। और अगर साइक्लोन रेमन भारत की तरफ अपना रुख करता है तो तटीय इलाकों में से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं बह सकती हैं, जो इतनी ज्यादा तबाही मचाएंगे जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये साइक्लोन भारत पर 24 घंटे तक अपना प्रभाव बनाए रख सकता है, जिसमें हवाओं के साथ लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अब आप कहेंगे कि एक चक्रवाती तूफान क्या ही तबाही मचा सकता है, तो आपको बता दें कि इसे दुनिया की टॉप 5 कुदरती आपदाओं में से एक माना जाता है, और इसकी तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1970 में भारत में भोला साइक्लोन ने दस्तक दी थी, और इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को दुनिया का सबसे बड़ा डेडलीस्ट डिजास्टर माना जाता है, क्योंकि इससे भारत और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि इस वक्त के बांग्लादेश के कुल 5 लाख से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बंगाल की खाड़ी से उठा यह चक्रवाती तूफान 12 नवंबर 1970 के दिन वेस्ट बंगाल में दस्तक देता है और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चीजों को तबाह करता है, फिर चाहे वो घर हों, गाड़ियां हों या ऊंची ऊंची इमारतें। सिर्फ चंद घंटों में ये इतनी तबाही मचाता है कि करीब 86 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान होता है, और जिन इलाकों में ये अपनी टॉप स्पीड यानी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचा था, उन इलाकों में ना तो कोई जिंदा बचता है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बचता है।
जिसके बाद बंगाल की खाड़ी से निकले बांग्लादेश 1991 नाम के साइक्लोन ने बांग्लादेश में 138,000 लोगों की जान ली थी और 2008 में नरगस साइक्लोन म्यांमार की तरफ मुड़ गया, उसने भी वहां 140,000 लोगों को मौत की नींद सुला दी थी। हालांकि दोस्तों, अगले हफ्ते जहां देश के एक हिस्से में भयंकर चक्रवाती तूफान आने वाला है, वहीं दूसरे इलाके में भीषण गर्मी पड़ने वाली है, जिसकी चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि मई महीने के आखिरी हफ्ते में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गर्मी बढ़कर 45 से 50 डिग्री के बीच पहुंचने वाली है। वहीं चक्रवात की वजह से देश भर में हवाओं की रफ्तार भी तेज हो सकती है और गर्म हवाएं बहने की वजह से लू लगने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा हैं। आसान शब्दों में कहें तो केवल 10 दिनों तक उत्तर और पश्चिम के राज्य बुरी तरह से जलने वाले हैं और इसलिए मौसम विभाग ने सीवियर वेदर अलर्ट भी जारी कर दी है और लोगों ने अपील की है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, नदी तालाब में बोटिंग करने बिल्कुल ना जाएं क्योंकि वहां का पानी और ज्यादा गर्म हो जाता है। घर में भी खिड़की और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। वहीं IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि इतनी भीषण गर्मी के बाद मानसून की सीजन जल्दी आने की भी चांसेस हैं। जहां जून के पहले हफ्ते में ही देश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है जो हमें इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दिलाएगी। दोस्तों, गर्मियों में हद से ज़्यादा गर्मी लगना, मानसून जल्दी आ जाना, साल में 1 से 2 बार बाढ़ आना, कई बार चक्रवाती तूफान आना और मौसम का बिल्कुल गलत ढंग से बर्ताव करना, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लक्षण हैं। पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का फैलाव काफी ज्यादा बढ़ गया है जिस वजह से औसतन 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ने लगा है। ऐसे में कुदरत को काफी हानि पहुंच रही है और जब कुदरत को परेशानी होती है तो ऐसा कहर बरसाती है कि हम इंसानों को अपनी गलतियों का अंदाजा लग जाता है। इसी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही भारत का मौसम बिगड़ता जा रहा है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर झीलें ओवरफ्लो हो रही हैं। ऐसे में अगर किसी दिन कोई झील फट गई तो पूरे उत्तर भारत में फ्लैश फ्लड आ जाएंगे और हमारे लिए पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि भारत इन ग्लेशियर झीलों के मीठे पानी पर काफी ज्यादा निर्भर है। वहीं इस अत्यंत गर्मी का एक और नुकसान है, वो है चक्रवाती तूफान को बुलावा देना। बता दें कि ज्यादातर साइक्लोन तभी बनते हैं जब हद से ज्यादा गर्मी होती है, जिससे समुद्र के ऊपर कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है जहां गर्म और ठंडी हवाएं तेजी से गोल गोल घूमते हुए टकराने लगती हैं और भयंकर साइक्लोन का जन्म होता है जिसके रौद्र रूप के सामने हम इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। हम सभी को अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने होंगे, यानी कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा और देश भर में लाखों करोड़ों पेड़ उगाने होंगे। फिलहाल साइक्लोन रेमन की बात करें तो ये रविवार और सोमवार के दिन बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो सकता है, फिर आगे बढ़ते हुए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं बिहार में भी आंधी तूफान के साथ बारिश होने की चेतावनी मिली है। ऐसे में अगर आपने बीच पर जाने का प्लान बनाया है तो उसे तुरंत कैंसिल कर दीजिए क्योंकि जब एक साइक्लोन पानी से ज़मीन पर ट्रांजिशन करता है, यानी तट से होते हुए ज़मीनी इलाकों में दाखिल होता है, तो ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और इसके साथ आने वाले बादल जब गरजते हुए बरसना शुरू करते हैं तो तेज़ बारिश कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को डुबाने की ताकत रखती है। इसके अलावा ऐसे हालातों में ज़रूरत से अधिक बारिश भी पड़ सकती है जिसके बाद गर्मी में और इजाफा आ सकता है। ऐसे में किसानों की फसलों के बिगड़ने का डर भी काफ़ी बढ़ गया है। वहीं रिहायशी इलाके साइक्लोन जाने के कुछ समय बाद पीने के पानी की समस्या भी पैदा कर सकते हैं क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में कई दिनों में खाली होने वाले बादल चंद घंटों में खाली हो जाते हैं और नदियां ओवरफ्लो होने की वजह से पीने का मीठा पानी समुद्र में चला जाता है। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि साइक्लोन रेमन भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में किसी भी देश की तरफ ना मुड़े और समुद्र में ही सफर करते हुए लुप्त हो जाए ताकि देश में कोई बड़ी कुदरती आपदा ना आए। तो दोस्तों, ये काफी अहम मुद्दा है और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सारे भारतीय सतर्क हो जाएं। वहीं अचानक से आ रहे तूफान, बाढ़, लू और चक्रवात के पीछे आकर क्या कारण हो सकता है, उसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए और ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।